असलम गाइस, कैसे हैं आप सब? आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। पहले एक टाइम होता था जब ईदी लेने के लिए हम अम्मा अब्बा के सामने जाते थे और वेट करते थे कि कब हमें ईदी मिलेगी, एंड अब ईदी देने का टाइम आ गया। तो अगर इन केस यू आर वंडरिंग, तो ये सारे ईदी लेने के लिए लाइन लगी हुई है। तो इनकी ईदी मैंने ऑलरेडी साइड पे करके रख दी थी। पहले मैंने सबको बोला था कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन दे फिगर्ड आउट बिकॉज मैंने एनवेलोप्स रखे हुए थे। तो मेरे पास एनवेलोप्स हैं यहाँ पे। ये क्या है? अच्छा जी, तो ये मेरे पास सारों के एनवेलोप्स हैं। तो ये हमने जरा स्पेशली प्रिंट कराए थे मिस्टर एंड मिसेस अली हमजा बलोच, ताकि कहीं हमें शादी पे देना पड़े या किसी को देना पड़े तो एक वो भी रहे। तो सबसे पहला जो अम्मा निकला है, यहाँ पे कुरानदाजी हो रही है, तो सबसे पहले कुरानदाजी है। हम ईद मिल चुके हैं, जस्ट इन केस हम दोबारा मिल रहे हैं। जैसे जैसे मैं ईदी देता जाऊंगा, मैं ईद मिलता जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे तीन आग होती हैं, एक दो तीन। नेक्स्ट कौन है? ईद मुबारक शकीला बाजी। ओके, नबिया आपकी लिपस्टिक लग रही है आपके दांतों पे वैसे। इधर आओ कैमरे में दिखाओ। नहीं अम्मा, मोटा खान इतनी प्यारी लग रही है ना। आज तो मारल लग रहे हैं। अच्छा अम्मा, साका का भी है? अच्छा, साका हमारी हाउस हेल्प जो है, उनका बेटा है, तो वो आया हुआ था। तो मैंने सोचा था कि अच्छा, साका की एक रीजन है बिकॉज वो बचपन हमारे सामने बड़ा हुआ, वो साका बोलता था, हमने उसका नाम ही साका रख दिया, तो हसन नाम है उसका। तो सुबह आया हुआ था, मैंने सबके साथ ही देनी थी, तो अभी वो नहीं है, तो मैं अब जाके उसको दूंगा, कह रहा हूँ रास्ते में देता जाता हूँ फिर। तो चलो, साका को तो फिर बाद में देते हैं। तो अब ये लास्ट एनवेलोप है बेगम में तो और जिन लोगों को नहीं पता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी पहली ईद है, हमारी अभी शादी हुई थी, हमारी पहली ईद है, सो वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। और थोड़ी सी डिफरेंट ईद है, ऐसी नॉर्मल कन्वेंशनल ईद नहीं है ये वाली हमारी जरा चांद रात भी बहुत वू वाली हुई थी, क्योंकि बहुत आंधी चल रही थी, और आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ। क्या डिस्कस नहीं करना, जैसे एम्प्लॉयज अपनी सैलरीज डिस्कस नहीं करते ना, वैसे यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करना, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो जी, अब जो मुझे ईदी मिलती है इस उम्र में, अब वो सिर्फ मेरे वालिद साहब ही देते हैं, अम्मी को भी मैं देता हूँ, बहन भाई को भी मैं देता हूँ, सालियों को भी मैं देता हूँ, बीवी को भी मैं देता हूँ, और अब मुझे देने वाला कोई भी नहीं है। सो बिग बॉय हो गया, एडल्टहुड शादीशुदा आदमी हो गया, अब मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे दे। एक मेरा एक दोस्त है, जो आपने देखा होगा व्लॉग्स में, उसके वालिद साहब हैं, तो वो अक्सर मुझे दे देते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो अगर मैं आज गया तो अल्लाह करे अंकल प्लीज व्लॉग देख लीजिएगा ये, और बुला लीजिएगा अंकल कोई मेरी इन्वेस्टमेंट की कुछ तो रिकवरी हो जाए। कोई अगर देख रहा है कोई मासूम बच्चे को, तो प्लीज रिकवरी करवा दे मेरी। तो जी, मैं कितनी देर से ये पॉलिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये पॉलिश निकल ही नहीं रही, और ना मेरे में इतना टेम्परमेंट है कि मैं मोची के पास जाऊँ, तो ये निकल नहीं रही। और अब ये पता नहीं किस जमाने में जाके जूते पॉलिश होंगे, इतने गंदे हुए हैं। और जस्ट अडल्टहुड का एक आपको जरा ड्रॉबैक ये भी बताता हूँ, जैसे बच्चे होते हैं या आप नए नए बड़े होते हैं, तो सारे आपको लेके जाते हैं ईद शॉपिंग। तो मेरी ईद शॉपिंग क्या होती है? कुछ भी नहीं। तो जी, हम लोग फाइनली सब रेडी हो गए हैं और हम लोग रवाना हो गए हैं। वी आर गोइंग टू यहाँ पे कौन से सेक्टर में अली जगह, मार्गला रोड पे जो है कि कहते हैं एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के दरख्त हैं, और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं सब मॉडल्स फ़ोटोशूट कराने के लिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए सोहो, जहाँ पे हम लोग उस दिन इफ्तार के लिए गए थे, वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो हम लोग अब वहाँ डिनर करने के लिए जा रहे हैं। तो वी विल कीप यू गाइस अपडेटेड अलोंग द वे। किधर है? कहाँ है साका? कहाँ है?
पापा तो घर पे। अरे उसके हाथ में देनी थी ना, इसलिए तो आया था तुम स्पेशली। मेरा सो रहा है। अच्छा सो रहा है। हां वो सो गया है ना। ये मैं बाहर से ताला लगा के आ गया। ये है मैंने क्या घुमा दिया। मुझे खुद अपने ये साका की है। लेकिन साका को ही देना। साका को ये नहीं नहीं मैं पानी खाएंगे। आप मुझे ही दी दो। हां कह रहे मुझे दो। तुम दो। चलो मुझे तनख्वाह मिलेगी ना तो वादा मैं आपको दूंगी। ये साका को दे दे रहा हूं। उसी तरह लिफाफा उसके हाथ में देना। अच्छा चल ठीक है। मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मेरे घर की सारी खवातीन मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चेरी ब्लॉसम ट्रीज यहाँ पे इस्लामाबाद में बड़े कॉमन है, स्प्रिंग के टाइम पे ज्यादातर होते हैं, तो वहाँ पे लेके चलो हमें टिकटॉक्स, हमें वीडियोस एंड यू नो ट्विर्लिंग एंड फोटोशूट सारा कुछ वहाँ पे करना है। ओके तो सारे पूछ रहे थे कि आपको याद है कहाँ है। हम लाइक यस। तो मार्गला रोड पे बेसिकली PF हॉस्पिटल के साथ जो लाइन है वहाँ पे था। बट अगेन स्प्रिंग खत्म हो चुका है और अब टाइम है समर का, तो आई एम प्रीटी श्योर इस वजह से जो चेरी ब्लॉसम ट्रीज हैं वो खत्म हो गए हैं, वो झड़ गए होंगे, जो भी हो गया होगा, तो इन सब का मुंह उतर गया। बट अगेन जहाँ पे खवातीन होती हैं वहाँ पे वो कुछ भी करवा सकती हैं आपसे। तो मुझे उन्होंने बोला कि अब चेरी ब्लॉसम ट्रीज तो नहीं है तो कोई भी अच्छा सा पार्क देख के हमें वहाँ पे ले जाओ। तो साथ जो भी पार्क था वो था फातिमा जन्नत पार्क, F9 पार्क। तो अब हम वहाँ पे और यहाँ पे अब ये टिकटॉक्स बना रहे हैं। एंड डू यू गाइस वांट टू गेस हु इज मेकिंग देम? मी ऑफ कोर्स। ये देखें जी अपने टिकटॉक्स देख रहे हैं। प्लोमो Plomo? हाँ दिखा। So can you please tell us if you're an Instagrammer or a TikToker? I'm an Instagrammer. Here's the TikToker. तो ये Plomo की बना रही हो? I only use TikTok to edit my videos. Plomo मैं अपने Instagram के लिए बना रही हूँ। क्यों? देख के पता चल जाएगा। ओह तुम्हारे व्लॉग से पहले मेरा व्लॉग आ जाएगा, सारे तुम्हारे कपड़े देख लेंगे। नहीं आएगा। तुम्हारा आउटफिट नजर आ जाएगा। मेरा एक घंटे में आ जाएगा। चलो अब सब पिक्चर्स खिंचवाते हैं। मारो। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई सिर्फ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए आया है। उधर उधर और मेरी भी यहाँ पे ये देखें। तो जी हमारे साथ क्या हुआ है कि चेरी ब्लॉसम्स तो सारे झड़ चुके हैं एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग बिकॉज़ अभी भी स्प्रिंग फुल ब्लूम में ही चल रहा है। आई थिंक समर स्टार्ट हो चुका है। स्प्रिंग इज गॉन। या खैर तो क्या कहते हैं हम लोगों को चेरी ब्लॉसम्स तो नहीं मिले बट हम लोग F9 पार्क आ गए। यहाँ पे शदीद रश था और हर जगह फोटोशूट्स हो रहे थे बट हम लोगों ने मैनेज कर लिया एंड वी गॉट सम प्रीटी गुड पिक्चर्स एंड टिकटॉक्स एंड रील्स एंड सो आई विल शो देम My favorite picture of us. ये देखिए जी कितनी क्यूट पिक्चर आई है। तो खैर वी गॉट सम गुड पिक्चर्स और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए सोहो। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए बाकी सब। एंड मेरे साथ एक बहुत बड़ा हैंड हो गया। बेसिकली आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं यू नो एवरीथिंग इज फाइन, आई कैन वेट, मैं आराम से यू नो मैनेज कर लूंगा, आई हैव नो इश्यूज और मैं जितना भी वेट यू नो मुझे कोई कराए मैं कर लूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि मेरे जो जूते हैं दे आर रियली रियली अनकम्फर्टेबल, लाइक सो अनकम्फर्टेबल कि मेरे से उसमें बैठे भी नहीं जा रहा। मैं मतलब बैठा भी हूँ ना मेरे पैर उसमें बंद है। आई फील वेरी वेरी सफोकेटेड और मुझे चुभ रहे हैं। आई जस्ट वांट टू टेक देम ऑफ और मैं कह रहा हूँ चप्पल ही पहन लूँ, इससे बेहतर जूते ना पहनूँ। ये पिछले आधे घंटे से इनका वेट कर रहे हैं और ये देखें अब तस्वीरें खिंचवा क्या। तो हम बाहर ही थे कि हमें रास्ते में ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे पपीज मिले, तो हम इनको जरा प्यार करने के लिए रुक गए। ये मामा कितने प्लेफुल है यार, उसको देखो इतना मोटू इसको इधर देखो कितने प्यारे हैं यार। देखिए मेरे दुपट्टे के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर यार। अच्छा मामा डॉगी इतनी फ्रेंडली है। ये देखो और ये देखो हाइपर एक्टिव जानू। अब आप छोड़ दे मेरे कपड़े, इधर आओ सब इधर। क्या मसला है, क्या मसला है? इन्नी काटियां काटियां मस्ती चढ़ी है। इन्नी काटियां काटियां करना, इन्नी काटियां काटियां। एक ईमान की गोद में और एक कन्या की गोद में। तो जी सोहो हम लोग गए एंड सोहो बंद था फॉर नाउ। वो 7 PM ओपन होगा, अभी हो रहे हैं 6:34। तो हम लोग आ गए हैं इन साहब को कॉफी दिलाने के लिए सीवीडीएल। बहुत नींद आ रही है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है तो मुझे सोने के लिए कोई जगह चाहिए और मेरे में गाड़ी चलाने की फिलहाल हिम्मत नहीं है। गाड़ी में ही सो जाओ फिर। तुमने बोला था कि कहीं और चलते हैं, मेरे में गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें गाड़ी में ही सो जाओ अगर सोना। नहीं यार आई नीड 400 रुपए की कॉफी लेना जरूरी है उसके लिए। इट्स ओके कॉफी के लिए चलेगा बट आई नीड अ प्लेस टू स्लीप। सीबीडीएल में है प्लेस? सीबीडीएल अब हम दिखा दो, हम सीबीडीएल आए हैं। सीबीडीएल पैरों में क्या हुआ? वो जूते बहुत अनकंफर्टेबल हैं, दर्द हो रही है मुझे। एंड एज यूजुअल यहां पे सेम बिल्ली फिर से है। ये लड़की हमेशा यहां बैठी होती है। पैम्पर्ड कैट। तो जी हम आ गए हैं सीबीडीएल
एंड ये जी यहाँ सो चुके हैं एंड बाकी सब मसरूफ़ हो गए हैं अपनी पिक्चर्स पोस्ट करने में एंड एवरीथिंग एंड वी आर जस्ट गोना वेट फॉर 20 मिनट्स. अम्मा को चाय पीनी थी, हमने उनके लिए चाय मंगवाई एंड देन वी विल गो टू सोहो. तो जी मुझे अली ने बच्चे तैयार किया है वहीं पे बुलाया है ताकि मैं उनको कंधे का सपोर्ट दे सकूं और वो आराम से सो रहे हैं. तस्वीरें हैं अनिया अली से क्या बोलते हैं मुनफरिद किया जाता है. आपको कबूल है, आपने कबूल किया, मैंने कबूल किया. तुम्हारी नकल उतार रहे हैं, उनकी नहीं उतार रहे. तो जी यहाँ पे मैं तकरीबन घंटा सोया और मुझे पता भी नहीं चला. नींद तो खैर अभी पूरी नहीं हुई बट जूतों ने वैसे ही मुझे बहुत तंग किया हुआ था और नींद बहुत ज़्यादा. जैसे आप रमज़ान से ट्रांजिशन कर रहे होते हैं ना नॉर्मल रूटीन में, इट्स रियली बैड. आई स्टिल कांट यू नो डाइजेस्ट इट एंड आई कांट अडैप्ट इट और उसमें भी टाइम लगेगा. तो जी हम कॉफ़ी शॉप से तो निकल गए हैं, हम जा रहे हैं सोहो F11, मतलब F11 में ही है. अनिया और मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी, उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था. उनको बोला था बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और सोने थे, लेकिन नहीं, दे जस्ट हैड टू लीव फॉरन. तो खैर वैसे 2 मिनट की वॉक पे ही था तो वो वॉक करके चले गए और अब हम जा रहे हैं. सो मैं नबीहा रहमान. तो जी हम यहाँ पर दवाई लेने आए हैं, वहाँ पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया एंड यहाँ पे आते साथ ही पहली नज़र मेरी पड़ी यहाँ पे स्लीपर्स पे, बिकॉज इन जूतों से ज़्यादा कुछ कोई भी चीज़ मुझे अभी मिल जाए ना, मुझे मैं कंफर्टेबल हूँ. मेरी ज़िंदगी अजाब हुई थी सो आई जस्ट गॉट द स्लीपर्स ताकि मैं थोड़ा सुकून की सांस ले सकूँ. एंड मैं जेन्युइनली आई फील लाइक आई एम इन हेवन एंड आई एम सो टायर्ड. माय फीट आर थैंकिंग. तो इसको अब हम डालते हैं जी शॉपर में और अब हम चलते हैं. वो कितनी प्यारी प्लेट बनाई मैंने. तो जी इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस, वेरी कलरफुल. तो जी मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में विमटो पी क्योंकि मेरी बीवी पी रही थी, मैंने कहा मुझे जरा टेस्ट कराओ और ये इतना गंदा कफ सिर्फ जैसा इसका टेस्ट था. अच्छा होता है, मैंने कभी जिंदगी में इतनी गंदी ड्रिंक नहीं पी. नबिया अच्छा होता है ना, ब्रूफिन सिरप होता है. हाय हाय उल्टी आ रही है, बिल्कुल वैसा. हाँ तो हम लोग मरी में जब हॉस्टल में होते थे ना तो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती थी जहाँ पे सारी दवाइयाँ पड़ी होती थी और डॉक्टर बैठी हुई होती थी. सही है, तो हम लोग जो है ना मैं और हया क्या करते थे, हम लोग जान जान के जाते थे और बोलते थे हमें दर्द हो रहा है, हमें बुखार हो रहा है, हमें ये हो रहा है ताकि हमें कैल्पोल पिलाएं. तो पिंक कलर की कैल्पोल होती है, हमें मज़े की लगती थी. वो अच्छी होती थी बचपन में, जो पिंक कलर की बेबी बना होता था वो बहुत मज़े की होती थी. बहुत मज़े की होती थी, मुझे तो हाइड्रोलिन भी मज़े की. हाँ और एक और कॉफ सिरप आता था बचपन में, पता नहीं पिंक कलर का, चीनी चीनी वाइड लेना थी और ग्राइप वाटर. हम ग्राइप वाटर भी इनका सारा पी जाते थे, इन दोनों का पी जाते थे हम ग्राइप वाटर. सौंफ का पानी जो होता था, तुमने दवाइयों के नशे करने थे बचपन में. और जो वो होता है पिंक कलर का चीनी चीनी टाइप, वो बहुत मजे का होता है. चीनी चीनी उसको मुंह में डालते थे उसे क्रश क्रश फील आती है. पेप्टोबिस्मोल नहीं, वो तो बहुत गंदा होता है. पेप्टोबिस्मोल तो बहुत गंदा होता है. छी नानू जी पिलाती थी हमें हर जब पेट खराब होता था पेप्टोबिस्मोल. उनके पास पूरा स्टॉक होता था, यहाँ से मिलता नहीं तो रियाज मामू से अमेरिका से मंगवाती थी पेप्टोबिस्मोल की गोलियाँ, इतनी मोटी मोटी पेप्टोबिस्मोल की सिरप. पेट में दर्द हो रहा है, एलो पियो, वैसे ही सही हो जाता था कि हम लोग गंदा ये पियेंगे, कुछ नहीं हो रहा. तो जी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने टी शर्ट अब क्यों पहनी है, क्योंकि मेरे पास एक ही कपड़े हैं ईद के लिए और मुझे वही पहनने हैं. टमोरो वी आर गोइंग टू कराची, तो वहाँ पे जाने के लिए भी ज़ाहिर है एक ईद डेकोरम फॉलो करना पड़ता है कि यू नो ईद है, तो मेरे पास एक ही जोड़ा है. आई वाज टू लेजी, मैं सिलवा नहीं सका तो इसलिए मुझे मैंने उतार के वो पहन लिए, सॉरी नाइट सूट पहन लिया. एंड इस टाइम पे अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3 और हम इतने ख्वार हैं कि हम जा रहे हैं पापा जॉन्स, क्योंकि इस टाइम पे मेरा ख्याल है कि सिर्फ पापा जॉन्स ही खुला होगा. सो वी आर गोइंग टू हैव पापा जॉन्स, देखते हैं कि खुला भी होता है कि नहीं. सबको भूख लगी है, अपनी बेचारी बीवी को मैंने नींद से उठाया कि चलो यार जरा पिज्ज़ा खा के आते हैं. हम एडवेंचर तो कर नहीं सकेंगे, अभी हम कराची जा रहे हैं
तो उससे पहले पहले हम कर लेते हैं। तो जी हम लोग आए हैं स्वीट क्रीम एज ऑलवेज एंड क्या कहते हैं, बहुत ही एक फनी सीन हुआ है। बंदा जो ऑर्डर लेने के लिए आया है उसको अली का ऑर्डर याद हो गया है। अब ही इज़ लाइक, आप लेंगे किटकैट एक्सट्रीम, उसमें डालेंगे आप टॉब्लेरॉन, डेरी मिल्क, फ्रेयर रोशर, माल्टेसर्स। ही नोज मी, हमारा स्पॉट। सो बेसिकली हमें भूख बहुत जोर की लगी हुई थी, हम जा रहे थे पिज्ज़ा लेने, लेकिन हमने कहा चलें बाई चांस देख लेते हैं अगर खुला है कि नहीं। तो अनिया से मेरी शर्त लगी थी कि ये 24 घंटे खुला होता है या नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चलो 3 बजे भी बहुत ठीक ठाक टाइम। तो ये बेसिकली 3 बजे बंद कर देते हैं, तो हमने कहा चलें पहले ये ले लेते हैं। आई डोंट माइंड मीठा बिफोर फूड, सो आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। ईमान तो खुश हो गए, ईमान को तो मीठा चाहिए, ईमान को मिलेगा M&M's। और ये वाली जो है ये कुछ नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही? Oh my god, dieting. No, not dieting, मुझे पापा जॉन्स खाना है। मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि मैं क्यों खा रहा हूँ, ठीक है। एक तो नंबर वन ईद है, ईद पे नो कैलोरी काउंटिंग। दूसरी, किसी को भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। या आई नो, बट तुम्हारा पेट है तुम उसमें डाल रहे हो किसी को क्या? नहीं, लेकिन वैसे ही जरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना मेरे प्रोफेशन के साथ। तो द पॉइंट इज के फॉरन ही ईद के बाद हम वापस जैसे ही आते हैं, बल्कि वहाँ पे भी, कराची में भी, आई विल स्टिक टू माई डाइट एंड आई विल ईट एज, ये देखें जी नींद कितनी आ रही है, आई विल स्टिक टू माई डाइट एंड आई विल ईट यू नो एज मच क्लीन फूड एज आई कैन टू यू नो कंट्रोल माई कैलरीज, आई विल बी अ गुड बॉय एंड मेरी बीवी मेरा खाना पकाएगी। मेरी मेहंदी का तो रंग ही नहीं आया लग रहा है, 5 दिन से लगाई हुई। तो मुझे क्या बोल रही थी कि मेहंदी का रंग क्यों नहीं आया? किसी ने मैसेज किया था कि अगर आपकी मेहंदी का रंग नहीं आता उसका मतलब है आपकी सास और आपका शौहर आपसे प्यार नहीं करते। एक्सक्यूज मी, तुम दिखाओ तुमने जो वो अनिया लिखवाया उसका कितना ज्यादा रंग देखें, ये देखें मेरा प्यार देखें, मैं अली से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ ये देखिए। ये नहीं होता, यही होता, ये नहीं होता। और मेरी मेहनत, लिसन, हस्बैंड वाइफ वन यूनिट होते हैं, बीच का तो सारा ही मिट गया यार। है तो अच्छा, देखो अब तुम क्या चाहती हो कि इतना बहुत ज्यादा रेड कलर है। हाँ, जिंदगी में पहली दफा लगवाई, अच्छी तो आनी चाहिए थी। ये देखे जी इनको नींद कितनी आई हुई है, फिर भी पापा जॉन्स फोन कर रहे हैं, दिखाओ। वालेकुम अस्सलाम, मुझे पूछना था कि आपकी ब्लू एरिया वाली ब्रांच कितने बजे तक ओपन है? 4 बजे तक मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग पापा जॉन्स, का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फाइनली कुछ खाने को मिलेगा यार, घर पे कुछ नहीं पड़ा। जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, मैं जैसे हालत में उठा के लाया तुम्हें। एक्सक्यूज मी, पहले तुम्हें ही जाना था, मुझे नींद से किसने उठाया था? मैंने उठाया था 12 बजे, अभी क्या टाइम हो रहा है, 3 बजे उठे हो, निकले हम लोग, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा। बेचारी हमना भी सो गई इस चक्कर में, उसको इतना दिल चाह रहा था बाहर जाने का। इट्स ओके, इसको भी नींद आ रही है, ये भी मुझे नबी अमान बोल, मुझे इतनी नींद आ रही है। मैंने तो सो ही जाते हैं, हम फिर आए क्यों हैं? अंजा झूठ बोल रहे, मैंने नहीं बोला। तो हम फाइनली पहुंच ही गए हैं, फाइनली पहले नहीं पूछा जा। तो हम फाइनली पापा जॉन्स आ गए हैं, 4 बजे तक खुला है, हमारी बचत हो गई है क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। एंड आप सोच सकते हैं कि इतनी नींद में ये लोग उठ गए हैं ना, तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ हंगर। तो अब जरा जाके पिज्जा लेते हैं, ऑर्डर करा हम गाड़ी में शुगर पापस। फिर मैं थिन क्रस्ट कराऊंगा। हाँ, थिन क्रस्ट करा रहा हूं। शुगर पापा कराना प्लीज। शुगर पापा? नो, बट शुगर पापा में क्या है? हाँ, पापा जॉन्स आ रहे हैं, क्यों क्या हो? पापा जॉन्स ले आऊं? जब पूछा था तो क्यों नहीं बताया फिर? अच्छा, ले आऊं। क्या बोले? तो मेरे भाई की कॉल थी और मैंने आते हुए से पूछा था, मैंने कहा यार चल रहे हैं पिज्जा खाने जाने, तो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं भूख लग रही, मुझे कहता ओ कुछ ले आना प्लीज यार। शुगर पापा, ओके, शुगर पापा इज पेपरोनी, बीफ, क्या कहते हैं, चीज, मशरूम्स, ऑलिव्स, मार्गरीटा ना ले ले, मार्गरीटा सिर्फ चीज, लाइक 10 गुन 6 चीज, हाफ एन हाफ करा दो, बोतल भी ले आएगा, हाफ एन हाफ, या गुड आईडिया। कितने टोटल, कितने पिज्जा? 2, एक लार्ज। उम्र भी तो है, तो 2 रेगुलर ले लो, फिर एक शुगर पापा, एक टस्कन। हां ओके डन, चलिए जी मैं लेके आता हूं। अली भाई पानी ले आएगा प्लीज? क्या ईमान? पानी? ओके मैं ले आऊंगा ईमान पानी, थैंक यू। काउंटर पे तो कोई भी नहीं, अच्छा है नीचे बैठे थे। तो जी मुझे तो समझ नहीं आ रही
If you guys know, you would know that I am very indecisive. So, बेगम से पूछते हैं, मैडम क्या लेंगी? एक मीडियम एंड वन व्हाट रेगुलर? Yeah. Considering. नहीं दोनों रेगुलर ले लो ना, रेगुलर इज मीडियम. पांच लोगों ने खाने. हाँ. Sure. Yeah. Okay madam. अभी लाया madam. तो जी आप कर दें एक चीज पिज्जा और एक आप कर दें, तो साइज बता दें प्लीज. साइज आप कर दें रेगुलर है, मीडियम साइज है मेरे पास, लार्ज साइज है और स्मॉल साइज है. मीडियम कर दें. ठीक है मीडियम सर. एंड क्रस्ट थिन करेंगे सर? क्रस्ट थिन. ओके सर, डील में लेंगे या विदाउट डील में? क्या फर्क पड़ता है? डील है सर, हमारी चल रही बाय वन गेट वन. तो यार आप मुझे डिस्काउंट में ही देना. I got discount in pizza. उसकी रे क्यों? क्या हो गया? मैं कैमरे में नहीं बता सकती क्यों हंस रही हूँ, पर हाँ क्यों मिला तुम्हें discount? यार buy one get one free था, I saved money. Good job. So our pizza is here. Yeah, it looks so good. दूसरा वाला तो देखता है इतना भी थिन नहीं है यार. This is like हाँ, ये वाला सही है. डोमिनोज का तो बहुत पापड़ यार, बहुत ज्यादा अच्छा थिन होता है वो, रोटी होती है. I like इतना थिन. Yum. अभी खा लोगी सारा? सारा तो खाऊं. घर जाके खाते ना, अभी नहीं. बेहतर ही खाते ना, गरम गरम है. ओके ओके, किसको सुपर पापा चाहिए, किसको चीज चाहिए? ईमान मुझे भी यही दे दो फिर. लेकिन मुझे किसी चीज में देना कि मतलब एक और पड़ा नहीं, गरम लाने लगे ना ज्यादा. ये लो जानो, आप हुकुम करें, ये लीजिए. ऐसी स्मार्ट बीवी हो तो और क्या चाहिए. सो गाइज इट्स अ रैप. आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, अपना ख्याल रखिएगा. अनटिल देन अल्लाह हाफिज़.